तो आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं स्कीमा मार्कअप के बारे में। स्कीमा मार्कअप क्या होता है? स्कीमा मार्कअप क्या वाकई में आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है स्कीमा लगाने से? क्या एसईओ में इसका कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्कीमा मार्कअप का? ठीक है, इन सारे टॉपिक के दरमियान हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ स्कीमा मार्कअप क्या होता है। सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं, एससीआरपी पे चलते हैं। एससीआरपी आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया टॉप 10 बुक्स ऑफ ग्रामर, आपको इस तरह से इंटरफेस आ गया, इस तरह से वेबसाइट का कंटेंट बाहर आ चुका है, और चलते हैं यहाँ पे मैंने सर्च किया पनीर टिक्का, क्या सर्च किया? पनीर टिक्का। जैसे मैंने पनीर टिक्का सर्च किया, ये देखो वेबसाइट के अंदर की इमेज बाहर आ रही है, वेबसाइट के अंदर का ये देखो कुछ ना कुछ टाइटल आ रहा है, ये देखो कितने अच्छी तरह रिव्यूज दिख रहे हैं, कितने घंटे में बनी, मतलब इतना बढ़िया लेआउट दिख रहा है। ठीक है, टिक्का रेसिपी का मैंने गूगल पे सर्च किया, क्या स्टेप्स फॉर प्राणायाम मैंने ये सर्च किया, अब मुझे बाहर इसका लेआउट दिख रहा है। मतलब कहने का क्या मतलब है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है वेबसाइट का कंटेंट बाहर क्यों आ रहा है? वेबसाइट के जो इमेज है, क्या वेबसाइट पे कोई इमेज लगी हुई है, वेब पेज पे कोई इमेज लगी हुई है, वो बाहर कैसे दिख रही है? नॉर्मली तो हमने ये समझा है ना कि एसईओ में ऑर्गेनिक रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पे क्या दिखता है? मेटा डेटा दिखता है, मेटा टाइटल दिखता है, मेटा डिस्क्रिप्शन दिखता है, जो भी आपने प्रोवाइड किया है, ये देखो मेटा डाटा आपको यहाँ पे दिखता है। ठीक है, बट कुछ केसेस में इस तरह से रेटिंग्स आ रही है, ये देखो रेटिंग्स आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी रेटिंग्स आ रही है, बहुत अच्छी बात है, रेटिंग्स आ कहाँ से रही है? और यहाँ पे तो इतना भयंकर लेआउट आ रहा है, ये देखो इतना बढ़िया तरीके का लेआउट आ रहा है यहाँ पे, जब मैंने पनीर टिक्का सर्च किया। आखिरकार ये हो कैसे रहा है? जब मैंने सर्च किया टॉप 10 बुक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, या ग्रामर मैंने सर्च किया, तो इसने मुझे यहाँ पे ये क्या दे दिया, इसने मुझे यहाँ पे कुछ लिखा हुआ दे दिया। ठीक है, ये वेबसाइट का कंटेंट है, कहीं ना कहीं वेबसाइट का कंटेंट, वेबसाइट में कहीं ना कहीं ये चीज मेंशन होगी। ठीक है, लेकिन बाहर कैसे आ गई ये चीज, बाहर कैसे आ गई? फीचर्ड स्निपेट बोलते हैं इसे, फीचर्ड स्निपेट पे वेबसाइट का कंटेंट कैसे आ गया, फीचर्ड स्निपेट पे वेबसाइट का कंटेंट आ कैसे गया? पनीर टिक्का की रेसिपी इतनी जोरदार तरीके से दिख रही है, स्टेप्स फॉर प्राणायाम ये भी ऊपर आ रहा है फीचर्ड स्निपेट पे, आखिर हो क्या रहा है? आखिरकार कुछ वेबसाइटों के साथ गूगल इतना बढ़िया कर रहा है कि यहाँ पे इतना बढ़िया तरीके का लेआउट दिख रहा है, और कुछ वेबसाइटों तो नॉर्मली एससीआरपी के जैसे रिजल्ट होते वैसे है। ठीक है, तो ऐसा क्यों यही समझ। देखो अब तक हमने क्या समझा है, एसईओ में हम क्या करते हैं, एसईओ में हमारा ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे जो भी हम चीजें करते हैं वो करते हैं गूगल पे रैंक होने के लिए करते हैं। गूगल हमें रैंकिंग कब देगा, मुझे एक चीज बताओ, गूगल हमें रैंकिंग कब देगा? जब गूगल हमारे कंटेंट को समझेगा, जब गूगल अच्छी तरह से हमारे कंटेंट को समझेगा, और उसे इंडेक्स करेगा। यही तो करते हैं हम, क्या, जब मान लो एक मेरा कंटेंट है, जैसे पनीर टिक्का का एक कंटेंट है, मैं पनीर टिक्का वाले पे चला गया और मैं यहाँ पे जाके इसकी वेबसाइट मैंने खोल ली। जब मैंने इसकी वेबसाइट खोल ली, अब आप देखोगे जो आपको वहाँ इमेज दिख रही थी, वो यही कहीं ना कहीं मेंशन होगी। ये देखो यही इमेज है, यहाँ पे भी यही इमेज है। ठीक है, और ये जो आप रिव्यूज वगैरह देख रहे हो, 91 रिव्यूज ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे, ये देखो ये आप वहीं पे देख रहे थे गूगल के एससीआरपी पे, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब वेबसाइट का कॉन्टेंट बाहर आ रहा है। आखिरकार गूगल ने इतनी अच्छी तरह से इस वेबसाइट को क्यों समझा कि इसका कॉन्टेंट इतने ब्यूटीफुल तरीके से आ रहा है, एससीआरपी पे। ठीक है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो हमारा एफर्ट क्या होता है, हमारा एफर्ट ये रहता है गूगल पे हमारी वेबसाइट अच्छी तरह से अगर इंडेक्स होगी गूगल पे अच्छी तरह से मेरी वेबसाइट को इंडेक्स कर लेगा, मतलब उसने मेरे वेबसाइट के कंटेंट को समझ लिया। जब भी यूजर क्वेरी करेगा तो मेरी वो रेलिवेंट जगह पे दिखा देगा। ठीक है, बट एक चीज समझो, आपके वेबसाइट का कंटेंट होता है हिंदी में, आपके वेबसाइट का कंटेंट होता है इंग्लिश में, आपके वेबसाइट का कंटेंट होता है किस में, कंटेंट होता है मराठी में, आपके वेबसाइट का कंटेंट होता है आपके तेलुगु में। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेजेस में आपके वेबसाइट का कंटेंट होता है। क्या गूगल ये सारी लैंग्वेज को जानता है? नहीं जानता है। गूगल जानता है सिंपल HTML को। गूगल किसे जानता है? गूगल सिंपल जानता है HTML को। ठीक है, तो एक चीज बताओ, तो क्या स्मूथ का अगर गूगल समझेगा ही नहीं आपके वेबसाइट का कंटेंट किस, मतलब क्या लिखा हुआ वेबसाइट का कंटेंट को, क्या उसे सही जगह इंडेक्सिंग मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। यानी कि एक देखो, इसको भी आप छोड़ो, इसको मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से बताता हूँ।
ठीक है, एक मान लो केशव है, ठीक है, एक मान लो केशव है, केशव को एक लड़की से बात करनी है जो कि है प्रियंका, केशव को प्रियंका से बात करनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। केशव और केशव जानता है लेकिन हिंदी, केशव क्या जानता है, केशव सिर्फ और सिर्फ जानता है हिंदी, और प्रियंका सिर्फ और सिर्फ क्या जानती है, इंग्लिश, इंग्लिश जानती है। क्या क्या दोनों अपनी बात को, क्या दोनों अपनी बात को एक दूसरे को कह पाएंगे, या दोनों दोनों के बीच स्मूथ कम्युनिकेशन हो पाएगा? नहीं होगा स्मूथ कम्युनिकेशन। क्यों? केशव इंग्लिश का एक शब्द नहीं जानता, प्रियंका हिंदी की एक शब्द नहीं जानती, मतलब दोनों में स्मूथ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता, दोनों में स्मूथ कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता। दोनों में स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए क्या चाहिए? दोनों को एक लैंग्वेज आनी चाहिए, दोनों को एक कॉमन लैंग्वेज आनी चाहिए। दोनों बोलते हैं यार मुझे तो एक कॉमन लैंग्वेज आती है, क्या मुझे तो कॉमन लैंग्वेज आती है, गढ़वाली आती है, मुझे तो एक कॉमन लैंग्वेज आती है, गढ़वाली आती है, ठीक है। तो दोनों के बीच क्या हो गया? कॉमन लैंग्वेज आ गई, ठीक है। अब दोनों के बीच में कॉमन लैंग्वेज आ गई, अब दोनों अपनी बात कह सकते हैं, दोनों के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि केशव क्या जानता है? हिंदी जानता है। प्रियंका क्या जानती है? इंग्लिश जानती है। दोनों के बीच में स्मूथ कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है, बट दोनों एक कॉमन लैंग्वेज को जानते हैं जो कि है गढ़वाली, ठीक है। दोनों इस लैंग्वेज में बात करेंगे, आप दोनों के बीच स्मूथ कम्युनिकेशन होगा, दोनों एक दूसरे को अपनी बात कह सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज हमारे गूगल के साथ होती है। गूगल हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु इन सबको नहीं जानता है। गूगल क्या जानता है? कोड को जानता है। गूगल क्या जानता है? HTML वगैरह को जानता है, ठीक है। यानी कि अगर आप स्मूथ कम्युनिकेशन चाहते हो, अपनी वेबसाइट के कंटेंट को अच्छी तरह से गूगल को बताना चाहते हो, तो आपको अपनी वेबसाइट का कंटेंट को गूगल की लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। क्या? अपनी वेबसाइट के कंटेंट को गूगल की लैंग्वेज में बताना पड़ेगा। और गूगल समझता है कोड, गूगल क्या समझता है? HTML वगैरह का समझता है। यानी कि आपके वेब पेज पे, आपको गूगल की लैंग्वेज आपको यूज करनी चाहिए। आप तो ये समझ रहे होंगे, आपको अपने वेब पेज पे गूगल की लैंग्वेज यूज करनी है, एक चीज समझो, आप भी यहाँ पे मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, जो मेटा डेटा आप यहाँ पे डालते हो, क्यों डालते हो अपने वेब पेज पे मेटा डेटा क्यों डालते हो, ठीक है। अपने वेब पेज पे मेटा टाइटल है, ये मेटा डिस्क्रिप्शन है, हमने ऑन पेज एसईओ में पढ़ा मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप क्यों डालते हो मेटा टाइटल मेटा डेटा? ताकि आप गूगल के लिए कर सको। गूगल अपने आप भी वैसे ही पिक कर लेता है, क्या यहाँ पे दिखाएगा, क्या यहाँ पे नहीं दिखाएगा, क्या यहाँ पे टाइटल, गूगल वैसे पिक कर लेगा। बट अगर आप बता देते हो, अगर आप मेटा डेटा बता देते हो, अगर आप गूगल को बता देते हो ये मेरा मेटा टाइटल है, ये मेरा मेटा डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, अगर आप अपने कंटेंट में बता देते हो तो गूगल इजीली उसे पिक कर लेगा, ठीक है। यही चीज हमारे किसके साथ होती है? स्कीमा मार्कअप के साथ होती है। स्कीमा मार्कअप क्या है? गूगल या बोलो सारे सर्च इंजन की मदर भाषा, ठीक है। क्या है? सारे सर्च इंजन की मदर भाषा। सभी सर्च इंजन जैसे याहू, बिंग, डबडबो, यैंडेक्स, गूगल, इन सब ने मिलके बोला यार हमें तो वेबसाइट का कंटेंट को इंडेक्स करने में बहुत दिक्कत हो रही है, हम तो हिंदी इंग्लिश जानते नहीं, हम तो मराठी जानते नहीं, हम क्या करते हैं एक कॉमन लैंग्वेज को डेवलप कर लेते हैं, जो कि हम सभी समझते हैं, जो सर्च इंजन भाई लोग हैं वो सभी समझते हैं, ठीक है, सर्च इंजन समझते हैं, ठीक है। अब क्या आपको बस अपने कंटेंट को अच्छी तरह से अगर सर्च इंजन को बताना है, गूगल वगैरह को बताना है, तो आपको अपने वेब पेज पे स्कीमा डेटा को यूज करना है, मतलब समझ गए होंगे स्कीमा मार्कअप क्या होता है, स्कीमा डेटा क्या होता है, मतलब अपने वेब पेज के कंटेंट को गूगल को अच्छी तरह से समझाने के लिए आपको सेम लैंग्वेज को प्रेफर करना चाहिए जो गूगल बोलता है या गूगल समझता है। गूगल क्या समझता है? कोड वगैरह को समझता है। तो क्या किया आपने? अपने वेब पेज के कंटेंट स्कीमा की फॉर्म में बता दिया गूगल को। अब गूगल आसानी से आपके कॉन्टेंट को समझ लेगा, आराम से आपके कॉन्टेंट को इंडेक्स कर लेगा। सब कुछ रामकथा यही है, ठीक है, सब कुछ रामकथा एक ही है। आप देखते हैं एग्जाम्पल से, मैंने बोला जो भी वेबसाइट बाहर दिख रही है, जैसे पनीर टिक्का यहाँ पे दिख रहा है, इसने कहीं ना कहीं अपने अपने क्या अपने किसमें इसने कहीं ना कहीं अपने
कोड में, अपने सोर्स कोड में और इस पेज के सोर्स कोड में रेसिपी टाइप स्कीमा का यूज किया। कई टाइप के स्कीमा होते थे, पर्सन स्कीमा, ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा, रेसिपी स्कीमा, एफएक्यू स्कीमा, ब्रेड क्रम स्कीमा, अलग अलग टाइप के स्कीमा होते हैं। रेसिपी के लिए एक स्कीमा होता है रेसिपी टाइप, इसने अपने यहाँ पे कहीं ना कहीं स्कीमा, आप अगर मैं यहाँ पे सर्च करूंगा कहीं टाइप के स्कीमा आ रहे हो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो स्कीमा एफएक्यू, यहाँ पे एफएक्यू टाइप ऑफ स्कीमा का यूज किया हुआ है। अगर आप यहाँ पे सारे देखोगे आपको यहाँ पे सारे स्कीमा दिख जाएंगे, ठीक है, सारे स्कीमा दिख जाएंगे आपको यहाँ पे, सोर्स कोड दिखना है, देखो कितनी बार स्कीमा आ रहा है, मतलब एक पेज पे मल्टीपल स्कीमा लग सकते हैं। ये देखो पर्सन टाइप ऑफ स्कीमा भी लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक पेज पे मल्टीपल स्कीमा लग सकते हैं, एक पेज पे मल्टीपल स्कीमा लग सकते हैं। इन अ सिंगल वेब पेज, सिंगल वेब पेज पे मल्टीपल स्कीमा लग सकते हैं, सिंगल वेब पेज पे मल्टीपल स्कीमा लग सकते हैं, ठीक है। स्कीमा के टाइप्स के बारे में और आगे चल के डिस्कस करूंगा, बट आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे रेसिपी टाइप ऑफ स्कीमा किसके लिए होता है, पनीर टिक्का आप सर्च कर रहे हो, आप सर्च कर रहे हो दही बल्ले, इस टाइप के जो रेसिपी टाइप होते हैं वहां पे आपका रेसिपी टाइप स्कीमा। एफएक्यू टाइप स्कीमा एफएक्यूज के लिए होता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इस टाइप का स्कीमा। अगर आप आपके वेबसाइट पे, आपके वेब पेज पे स्पेसिफिक बोलूं तो वेब पेज, और आपके वेब पेज पे कोई क्वेश्चन है उसे आप गूगल के एससीआरपी पे अच्छे लेआउट में दिखाना चाहते हो तो क्या करो, एफएक्यू टाइप स्कीमा को यूज करो। इसके अलावा और कौन कौन से स्कीमा होते हैं, पर्सन टाइप ऑफ स्कीमा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा, क्या ऑर्गेनाइजेशन, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिटेल सारी होती है गूगल के पेज पे, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी डिटेल सारी होती है गूगल पे, वो होती है ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा की, ठीक है। अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीमा होती है, ठीक है, इसके बारे में हम और चल के डिस्कस करेंगे, बट हमारा मेन टॉपिक क्या था, स्कीमा मार्कअप के बारे में। जो भी आपको वेब पेज दिख रहा है आपका क्या है, उस वेब पेज में कहीं ना कहीं स्कीमा होगा ही होगा, कहीं ना कहीं स्कीमा होगा ही होगा, ठीक है। मैं जैसे ये ग्रामर वाली बुक्स है, ग्रामर वाली बुक्स के यहाँ पे आ जाता हूँ, कंट्रोल प्लस यू करके मैं इसके सोर्स कोड में आ चुका हूँ, ये देखो schema.org ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा का यूज किया हुआ है, ठीक है। ऐसे आप देखोगे कई बार स्कीमा रिपीट हो रहा है, एक बार हमें इसको देखना पड़ेगा कितनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। आप अगर यहाँ पे देखोगे आपको इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप इसे ना टेस्ट भी कर सकते हो, एक वेबसाइट पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्कीमा यूज हुए हैं, ठीक है। ये देखो ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा मुझे ऐसे दिख गया। आपको अगर चेक करना है इस वेब पेज पर कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा है, आपको सिंपल गूगल पे लिखना है स्कीमा मार्कअप टेस्टर, सिंपल आप ऐसा लिख दो, स्कीमा मार्कअप का आपको टूल मिल जाएगा, आप यहाँ से चेक कर लो गूगल का भी आपको टूल मिल जाएगा, नहीं तो आपको यहाँ पे इस टूल पे जाओ, ठीक है। आपको सिंपल गूगल पे सर्च करना है स्कीमा मार्कअप चेकर, आप जैसे ही करोगे validator.schema.org ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे आपको बस वेब पेज का यूआरएल डालना है, रन टेस्ट करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे रन टेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी देर में दिखा देगा कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा रखी हुआ है। ब्रेड क्रम टाइप ऑफ स्कीमा लगा हुआ है, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा लगा, अलग अलग टाइप्स ऑफ स्कीमा लगे हुए हैं, ठीक है। और ये कितने बढ़िया तरीके से दिखा रहा है, ये देखो ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा, ये देखो कितने बढ़िया तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। वेब पेज टाइप ऑफ स्कीमा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। ये देखो कितने अच्छी तरह से व्यू एक्शन नाम का यहाँ पे स्कीमा लगा हुआ है, ठीक है। और भी आप देखोगे आर्टिकल टाइप ऑफ स्कीमा यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो हर एक चीज आप स्कीमा में बता सकते हो, स्कीमा बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में वही डिस्कस करने वाले स्कीमा के टाइप, स्कीमा को कैसे जनरेट करें, इसके ऊपर हमारी क्लास होने वाली है। बट आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया, स्कीमा मार्कअप क्या होता है, हमने डिस्कस किया स्कीमा किसकी लैंग्वेज है, स्कीमा आपके सर्च इंजन भाई साहब की लैंग्वेज है। जितने भी सर्च इंजन, रियनटेक्स, बाइडू, गूगल, ब्रिंग, जितने भी ये सर्च इंजन है उनकी क्या है, कॉमन लैंग्वेज है। ये बंदे इन्हीं लैंग्वेज को समझते हैं, ठीक है। ये बंदे इन्हीं लैंग्वेज को समझते हैं, हिंदी, इंग्लिश, फारसी, उर्दू, मराठी, ये सब नहीं जानते, ये जानते हैं
कॉमन लैंग्वेज को, सर्च इंजन जानते हैं एक लैंग्वेज को जो कि है स्कीमा मार्कअप की। आपको अपने वेबसाइट के कंटेंट को स्कीमा के फॉर्म में बता दो, स्कीमा मार्कअप में बता दो, स्कीमा डेटा में बता दो। आपको अपने वेबसाइट के कंटेंट को अगर आपने स्कीमा डेटा में बता दिया, तब अब क्या करेगा गूगल या जो भी सर्च इंजन है, वो आपके जो मतलब कंटेंट अच्छी तरह से समझेंगे, वो आपके कंटेंट को अच्छी तरह से समझेंगे और उसके हिसाब से अगर अच्छी तरह से समझ लिया तो सही तरह से इंडेक्सिंग हो जाएगी। इंडेक्सिंग होगी आपका काम ऐसे ही खत्म। मतलब अच्छी तरह से इंडेक्सिंग कराने के लिए स्कीमा डेटा का यूज होता है एक स्पेसिफिक वेब पेज पर। आप हर वेब पेज पे, जैसे ये स्पेसिफिक पेज है, मैं यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक पेज दिखा रहा हूँ, ये वाला स्पेसिफिक पेज है, इस पे आप आर्टिकल टाइप स्कीमा लगा दो। अगर आपके वेबसाइट में कोई प्रोडक्ट है तो वहां पे प्रोडक्ट टाइप स्कीमा लगा दो। आपकी वेबसाइट में कोई रेसिपी पेज है, वहां पे रेसिपी टाइप स्कीमा लगा दो। ठीक है, मतलब आपको एक, पहले तो आप ये समझो, एक वेब पेज पर आप मल्टीपल स्कीमा लगा सकते हो। स्कीमा के टाइप के बारे में अगली क्लास में जरूर डिस्कस करेंगे, बट आज ये समझो एक वेब पेज पर आप मल्टीपल स्कीमा लगा सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा आप लगा सकते हो, प्रोडक्ट टाइप, आर्टिकल टाइप, मतलब जितने भी टाइप ऑफ स्कीमा आप एक वेब पेज पर लगा सकते हो। ठीक है, बट एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो ध्यान रखनी है, आप हर स्पेसिफिक पेज पर अलग अलग स्कीमा भी लगा सकते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब आपने मान लो एफएक्यू स्कीमा लगा दिया, तो एफएक्यू स्कीमा आपके साइट वाइड एप्लीकेबल हो, साइट वाइड आपके एफएक्यू स्कीमा अवेलेबल हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो एफएक्यू स्कीमा आपका सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वेब पेज पर है, मान लो इसी वेब पेज पर एफएक्यू स्कीमा है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन इसी पेज पे है। ठीक है, क्या आप चाहोगे साइट वाइड ये लगे? नहीं चाहोगे। आप क्या चाहोगे? स्पेसिफिक पेज पर लगे। उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा आप क्या चाहोगे? ये साइट वाइड लग जाए, पूरी साइट पे लग जाए। तो इस तरह का आप कंट्रोल भी कर सकते हो। ठीक है, कि ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑफ स्कीमा साइट वाइड लग जाए और कोई स्कीमा फॉर स्पेसिफिक पेज लाइक, या स्कीमा फॉर प्रोडक्ट, वो सिर्फ प्रोडक्ट पेजेस पे लगे, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, बस ये हमने समझा। एट लास्ट ये जो आपसे क्वेश्चन है वो आपको मैं आंसर दे देता हूँ, वेयर वी हैव टू पेज दिस स्कीमा कोड। स्कीमा कोड आपको लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा स्कीमा कैसे जनरेट करें, स्कीमा दिखते कैसे, सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन क्या स्कीमा कोड आपको लिखना पड़ेगा? चिंता मत करो, आराम से टूल होते हैं, वो काम कर देंगे। ठीक है, दूसरा कि मान लो हमने कहीं इसको टूल से जनरेट कर दिया स्कीमा कोड, अब हमें उसे पेस्ट कहाँ करना है, हेड में, बॉडी में कहाँ पेस्ट करना है? देखो, कहीं भी पेस्ट कर दो, कोई फर्क नहीं, चाहे हेड में करो चाहे बॉडी में करो। लोग बोलते हैं भाई हेड में पेस्ट करो, मैं कहता हूं कहीं भी पेस्ट कर दो, कोई चिंता की बात नहीं है। क्यों भाई? जब आपका क्रॉलर आएगा, जब आपका बोट्स आएंगे आपके वेब पेज पे, वो तो पूरे पेज को स्कैन करेंगे। ऐसा तो है नहीं सिर्फ उसे हेड पार्ट को स्कैन करेंगे, तो इसीलिए चाहे वो हेड पे हो, बॉडी पे, कहीं पे भी वो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जनरली लोग क्या बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं बॉडी में लगाना चाहिए ताकि हेड पार्ट जल्दी पेज लोड हो जाए, मतलब ये है कि लोग बोलते हैं बॉडी पे लगाओ ताकि पेज जल्दी लोड हो जाए, कुछ लोग बोलते हैं हेड पे लगाओ ताकि उसे क्रॉलर को जल्दी मिले। ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी लगाओ क्रॉल हो गई होगा, गूगल अपने आप इसको समझेगा। गूगल अपने, अगर आपके वेब पेज पे प्रेजेंट है, आपका क्या काम होना चाहिए? आपको आपके वेब पेज पर होना चाहिए। आपके वेब पेज पर क्या होना चाहिए स्कीमा होना चाहिए। बस इंपॉर्टेंट ये है, चाहे हेड में लगाओ बॉडी में लगाओ कोई चिंता नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कैसे स्कीमा को जनरेट करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीमा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए फिलहाल हम इतना ही रखते हैं।